नमस्कार आदाब। जैसा कि आज सैटरडे है और एक प्रेस ब्रीफिंग विद रिगार्ड टू कोविड की जाती है, उसमें आप सबका वेलकम करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारी सेकंड सर्ज में 1920 केस आए हैं, जिसमें से 1858 केस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। आज की डेट में भी हमारे एक्टिव पॉजिटिव जो है 46 है और ये अभी कम नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि कांस्टेंट केसेस आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। हमारा यहाँ तक इस हफ्ते की बात करूँ मैं, जो कल ख़त्म हुआ है, हमारे के नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं और इस हफ्ते में हमारे 31 केस रिपोर्ट हुए हैं, जो एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन वापस बन रही है। मैं आपको बता दूँ कि कल भी हमारे 6 केस आए थे और आज हमारे 10 केस आए हैं। और इसके साथ साथ जो पीछे रिजल्ट्स आए हैं, डेल्टा वेरिएंट जो है वो सोसाइटी में है और एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। आने वाले 100 डेज जो हैं हमारे लिए बहुत ही क्रूशल हैं। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.45 है, जो लास्ट वीक से बढ़ा है। लास्ट वीक में 0.3 के आसपास था, ये 0.45 के आसपास चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और जो एक चिंता का विषय है। जैसा कि देखा जा रहा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कमी आई है, जिसको हम स्ट्रिक्टली अब इन्फोर्स करने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क पहने, बिना बाहर मत निकलें। यही एक तरीका है, जैसे हमने सेकेंड वेव को कंट्रोल किया था और फैलने से बचाया था, उसी तरह से हम थर्ड वेव या आने वाला टाइम जो है 100 डेज जो क्रूशल माने जा रहे हैं, हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की बात करें तो एक डोज 100% हो चुकी है हमारी 45 प्लस की और 43% हमारे 18 से 45 के बीच जो लोग हैं उनकी फर्स्ट डोज जो है वो लगाई गई है और इसको हम आने वाले दिनों में और तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बार आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए और अपने आप को और अपने सगे संबंधियों को कोविड से बचाएं। धन्यवाद।